अमेरिका के न्यूयॉर्क में जयपुर फूड यूएसए और ग्रेशियस ग्रीवर्स फाउंडेशन की तरफ से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने यह भी कहा कि जयपुर फूड यूएसए में दुनिया भर में लोगों को नई उम्मीद देता नजर आया। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 35 देशों में जयपुर फूड ने दिव्यांगों और जरूरतमंदों का जीवन बदलने का काम किया। समारोह में संयुक्त राष्ट्र के भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस गुरुमूर्ति ने सुरक्षा परिषद के कार्यक्रम के दौरान दमिश्क में हुए जयपुर फूड के शिविर का उल्लेख किया, जिसमें सीरिया के 500 लोग लाभान्वित हुए थे। कार्यक्रम में जयपुर फूड यूएसए के चेयरमैन प्रेम भंडारी ने कहा कि भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के संस्थापक पद्म भूषण मेहता 85 साल के युवा हैं। उनकी ऊर्जा देखकर प्रेरणा मिलती है। इस उम्र में भी पिछले सप्ताह जम्मू कश्मीर के एक गांव परकियन में शिविर आयोजित कर दिया गया, जो 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। समारोह में मेहता ने मोबाइल वैन के लिए राशि भी दी। विदेश सचिव के मौजूदगी में मेहता की तरफ से वैन की राशि देने की घोषणा जयपुर फूड यूएसए के चेयरमैन भंडारी ने की। उन्होंने बताया कि वैन दिव्यांगों के घर जाकर उन्हें जयपुर फूड लगाएगी। इसमें अभी आधुनिक उपकरण के साथ 3 टेक्नीशियन भी रहेंगे। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रोग्राम की तस्वीरें हैं। दरअसल जयपुर फूड यूएसए ने इसका आयोजन किया था। ग्रेशियस गिवर्स फाउंडेशन की तरफ से आयोजन किया गया और जयपुर फूड यूएसए के चेयरमैन प्रेम भंडारी ने इसमें शिरकत की। इस दौरान एक वैन का भी शुभारंभ किया गया, शुरुआत की गई, जिसका मकसद होगा कि घर जाकर दिव्यांगों को जयपुर फूड लगाया जाए। इसमें सभी आधुनिक उपकरण के साथ 3 टेक्नीशियन भी मौजूद रहेंगे, ताकि किसी को जयपुर फूड लगाने के दौरान अगर टेक्निकली समस्या आती है तो ये टेक्नीशियन उस समस्या को दूर कर पाए, बाधा को दूर कर पाए, और जिसको जयपुर फूड की जरूरत है वो जयपुर फूड के जरिए न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा हो पाए बल्कि उज्जवल भविष्य की तरफ भी बढ़ पाए।